नमस्कार, मैं पिंकी सहगल, आप देख रहे हैं फैंकर न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। साथ ही उनकी याचिका पर आम्रपाली समूह के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। बता दें कि धोनी ने आम्रपाली ग्रुप से अपनी प्रमोशन की बकाया कीमत की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। धोनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी थी कि आम्रपाली ने उनकी फीस नहीं दी है। उन्होंने हाई कोर्ट से इस मामले में मध्यस्थता की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में धोनी को नोटिस दिया है। दरअसल धोनी की उस अर्जी के बाद आम्रपाली ग्रुप सुप्रीम कोर्ट चला गया। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धोनी को नोटिस थमाया है, वहीं मध्यस्थता की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ितों की तरफ से ये कहा गया है कि एक तरफ फंड की कमी की वजह से लोगों को फ्लैट नहीं मिल पा रहा है, दूसरी तरफ धोनी ने 150 करोड़ रुपए की मांग करते हुए मामला मध्यस्थ कमेटी के पास ले गए हैं। अगर इस मामले में मध्यस्थ कमेटी धोनी के पक्ष में आदेश दे देती है तो आम्रपाली को 150 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें फ्लैट खरीदारों को फ्लैट मिलना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही ये भी बता दें कि धोनी कभी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर रहे थे। हालांकि साल 2016 में उन्होंने खुद को आम्रपाली ग्रुप से अलग कर लिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर अपनी 40 करोड़ रुपए की फीस दिलाने की मांग की थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फैंकर न्यूज़ को।